नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा नियुक्त हमाल ठेकेदार द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आक्रोशित मजदूरों व उनके परिवार वालों ने पैदल मार्च कर किया थाने का घेराव। वहीं काम से निकाले गए नान के मजदूरों को मिला छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच का साथ। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउस नागरिक आपूर्ति निगम में लगभग 40 वर्षों से लोडिंग एवं अनलोडिंग CRM अनलोडिंग स्किपिंग का कार्य कर रहे हमालों ने नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नियुक्त किए गए हमाल ठेकेदार व अधिकारी पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में हमाल संघ के लोग व उनके परिवारों ने दुर्ग के मोहन नगर थाने का घेराव कर अपनी आवाज उठा गुहार लगाई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के संयोजक एडवोकेट राजकुमार गुप्ता और युवा स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूरन साहू ने आंदोलनरत मजदूरों से भेंट कर उन्हें भरोसा दिया कि छत्तीसगढ़ श्रमिक संघ संघर्ष में उनके साथ है। छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के संयोजक ने इस अवसर पर कहा, बिना किसी दोष या कारण के टेंडर की शर्तों के हवाले से काम से हटाना न्याय संगत नहीं है। नए ठेकेदारों को चाहिए कि पुराने मजदूरों को काम पर वापस रखे और बाहर से मजदूर लाकर टकराव तथा तनाव की स्थिति निर्मित न करें। गौरतलब है कि पिछले 25-30 साल से नान में PDS चावल का लोडिंग अनलोडिंग करने वाले 1 सैकड़ा से अधिक मजदूरों को नए ठेकेदार ने टेंडर के नियम शर्तों का हवाला देकर काम से निकाल दिया है और नए मजदूरों को लाकर काम कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण पिछले 5 दिनों से प्रभावित मजदूर आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा नए टेंडर के तहत नए ठेकेदार को नियुक्त किया है, जिस पर हमाल मजदूर द्वारा अपने आप पर अत्याचार व न्याय संगत व्यवहार नहीं किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, अब देखना होगा कि शासन प्रशासन इस बढ़ते मामले को किस तरह से शांत कराता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।